Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 4, exercise 6.3. So, in this question we have, find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. अब आपको square root निकालने हैं, लेकिन prime factorization method से. Prime factorization method कैसे apply करते हैं, let's see. सबसे पहले हमारे पास first है number 729. अब इसका हमें prime factorization करनी है. So, अभी कौन से नंबर से डिविजिबल है? 2 से नहीं हो सकता. Let's add these number 9, 10, 11 plus 7, 18. Means, कि 3 की टेबल से ये जाएगा. So, let's do this. 2, बचा 12, that will be 4 and then 3. Again, it will go with 3. 8's a 1's a. Again with 3. So, this will be 2's a 6 and 21 will be 7's a. Then we have 27. So, 3 se karenge, we will get 9. Again with 3. 3, 3 and 1. Theek hai? So, ab jo aapke paas factors aaye hain, let's write it down. So, this means 729 is equals to 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, अब हमारे पास ये अंडर रूट में आ जाएगा बिकॉज हम इसका स्क्वायर रूट सर्च कर रहे हैं. सो दिस मींस अब इसको आप जैसे डबल डबल है तो उसको सिंगल सिंगल हो गए. पहले हम इसमें पेयर्स बनाएंगे, जैसे ये एक पेयर बन गया दो का, देन वी हैव दिस पेयर एंड दीज टू. ठीक है, सो ये 1, 2, 3 थ्री पेयर्स वहां पे बन रहे हैं. सो वी कैन राइट इट एज 3. इन दोनों में से एक 3 लिया, फिर सेकेंड पेयर में से एक 3 लिया और थर्ड पेयर में से एक और 3 लिया. ठीक है, मतलब टोटल 6 बार 3 था तो हमने उसे 3 बार लिए थे पेयर्स में लेने के बाद. सो दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. सो दिस मींस स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. दिस इज हाउ वी डू इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड नंबर इज 400. सो अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. अब 400 को हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं. 2 2s are 4, 0, 0. अगेन 2 से 1, 0, 0. अगेन 2 से दिस विल बी 5, 0. फिर से 2 से कर सकते हैं. वील गेट 25. देन 25, 5 से करेंगे 5, 5 एंड 1. सो लेट्स राइट इट डाउन. सो 400 इसको अंडर रूट में कर देंगे. दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. अब यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं. सो 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया, अगेन 2 इंटू 2 एक पेयर हो गया एंड 5 इंटू 5 एक पेयर हो गया. मीन सेम नंबर के हमने पेयर्स बना दिया. अब इसमें से एक एक हम लेते रहेंगे. जैसे ये एक पेयर है तो इसमें से एक 2 ले लिया, सेकेंड पेयर में से एक और 2 ले लिया, थर्ड पेयर में से 5 ले लिया. ओके, मींस पूरे पेयर में से सेम नंबर में से एक नंबर हम नीचे लिख रहे हैं. सो 2 2 इज 4, 4 into 5 इज 20. सो दिस मींस स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20. ठीक है, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में है 1764. लेट्स डू इट. 1, 7, 6, 4. We can start with 2. So this will be 2 8's are 16. 8's are 16 again and 2. Now with 2, 4, 4, 1. Then, अब ये 2 से नहीं हो सकता. तो पहले add करके देखते हैं 3 से हो सकता है या नहीं. 4 plus 4, 8 plus 1, 9. Means 3 से हो सकता है. So this will be 3 1's are 3 आया 14. 14 से छोटा क्या होगा? 4's a 12. बचा 21, 7. So 147. अब इसको 3 से करेंगे. We will get 3 4's a 12. Again 27 हो जाएगा. That is 9's a. Now we can see ये 3 के टेबल से नहीं होगा. 7 से करते हैं. 7. 7 and 1. So let's write it down. 2 into 2 into 3 into 3
into 7 into 7. We can see यहाँ पे तीन pairs बन रहे हैं, एक 2 का, एक 3 का और एक 7 का. So we can write it as 2 into 3 into 7. So 2 3s are 6, 6 into 7, 42. So the answer is 42. Or we can see the square root of 1764 is 42. Okay, so this was part number 3. Now let's come to the next part. Now the next number we have is 4096. So let's start 4096. So 2 se start karte hain, this will be 2, 0 and then 4, 8. Again 2 se 1, 0, 2 and 4. Again 2 se this will be 5, 1, 2. Again 2 se kar sakte hain, this will be 2, 5, 6. Now we have 256. Isko 2 se kar sakte hain. 1, 2, 8. Again with 2, 6, 4. Again with 2, 3, 2. Again with 2, 1, 6. Then we have 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 1. Right? So let's count kitne 2 hai yahan pe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 times are at 2. So let's write it down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right? Ab hum iske pairs banayenge. So 1 pair, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th. Ab har pair mein se ek number le lete hain. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. To humne 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs banaye the, to yahan pe 6 times 2 aa gaya. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Now 32 into 2. So 32 into 2 will be 2 2s are 4, 3 2s are 6. So we have 64. So mean square root of 4096 is 64. Now let's come to the next part. Now coming to the fifth part. Fifth part mein hamare paas hai 7744. So let's prime factorize this 7744. 2 ke table se start karenge, we will have 3, 8, 7, 2. Again 2 ke table se karenge, 1, 9, 3, 6. Again with 2, we have 9, 6, 8. Phir se 2 se ho sakta hai, this will be 4, 8, 4. Now we have 4, 8, 4. So, 2, 4, 2. Again with 2, 1, 2, 1. Now 121 is the number jo 2 ke table se nahi ho sakta. Na hi ye 3 ke table se hoga. And for a fact, we know that 11 into 11 is 121. Means 11 ka square 121 hai. So, 11, 11 will get 1. So, let's write the factors. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 11 into 11. Right? Ab hum iske pairs banate hain. So this is the first pair, second pair, third pair and the fourth pair. Ab har pair mein se ek ek number le lete hain. So first pair mein se 2 aa gaya, then 2 once again and then 11. So this is 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 into 11 is 88. So the square root of 7744 is 88. This was part number 5. Now let's come to the next part. Now the sixth part is 9604. So 9604. Iska LCM lenge. This will again start with 2. So 2 4s are 8. And then we will get 802. Then again 2 se ho jayega. 2401. Now, ye ab 2 se nahi hoga.
सो लेट्स सी, अगर ये 3 से हो 4 5 6 7, 3 से भी नहीं होगा, बट दिस कैन गो विथ 7. सो 7 से करके देखते हैं इसे. 7 की नेबर में 24 नहीं आता, लेकिन 7 3 जा 21 होता है. सो 24 की जगह हमने 21 रखा है. सो 21 के बाद 22 23 24 मींस 30. सो 4 जा 28, अगेन 30 की जगह 28 रखा है, तो बचा 2 विच इज 21. सो 3 अगेन. नाउ वी हैव 343 अगेन विद 7. सो 34 नहीं आता, 34 से छोटा क्या आएगा, डायरेक्ट 4 जा 28. सो 28 29 30 31 32 33 34 मींस 6. सो ये हो गया 63. नाउ 7 9 जा 63. अगेन 7 7 जा 41 एंड देन दिस विल बिकम 1. सो अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं, लेट्स राइट इट डाउन. 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7, राइट? 7 हमारे पास 4 बार है और 2 2 बार है. सो इसके पेयर्स बनेंगे, 1 पेयर इज 2 एंड 2, देन 7 इंटू 7 एंड देन 7 इंटू 7. नाउ वी कैन राइट दिस एज सिंगल 2, देन फ्रॉम दिस 1 7 एंड फ्रॉम दिस 1 7 अगेन. सो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 7, लेट्स मल्टीप्लाई दिस. 7 4 are 28, 7 1 are 7 plus 2 98. So the answer is 98, means the square root of 9604 is 98. This was part number 6. Now let's come to the next part. So now coming to the 7th part. 7th part mein hamare paas hai 5 9 2 9. So 5 9 2 9, so isko 7 se karenge hum. We can do it with 7 8 are 56 57 58 59. Hamare paas aaya 32. So 4 are 28, 28 ke baad 29 30 31 32 49. So 7 7 are 49. Then again with 7, so 7 1 are 7 14 2 are and then 1. So 121, again 11 ka square hota hai, so 11 11 11 and 1. So let's write the factors. 7 × 7 × 11 × 11. So अभी यहाँ पे pairs बनाते हैं, 1 pair, 2nd pair. So 7 × 11. 7 × 11 is 77. So this means 5 9 2 9 is the square of 77. या हम कह सकते हैं इसका square root 77 है, right? So now let's come to the next part. Now the next part is 9 2 1 6. So इसका prime factorization करते हैं. 9 2 1 6. Starting with 2, 4 are 12, 6 are 0, 8. Then again 2 से करेंगे, 2 3 0 4. Again 2 से 1 1 5 2. Again with 2, so 5 7 6. Now we have 576. So अगेन 2 से करेंगे, 2 2 are 4 17 8 are 16, एंड देन अगेन 8 are, देन 2 1 4 4, देन 2 से करेंगे, दिस विल बी 7 2, देन अगेन विद 2 3 6. नाउ वी हैव 36. सो 2 से करेंगे, 1 एंड 16 आ गया, दैट विल बी 8. सो 2 9. अब 9 2 से नहीं हो सकते, तो हमें 3 से करना पड़ेगा, 3 3 1. ठीक है, नाउ लेट्स राइट द फैक्टर्स. पहले काउंट कर लेते हैं इसमें 2 कितनी बार आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आ रहा है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद 3 2 बार आ रहा है, सो 1 2. ठीक है, अब इसके पेयर्स बनाते हैं, 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd, 4th, 5th पेयर एंड
सिक्स पेयर। तो यहाँ पे टोटल सिक्स पेयर्स बने हैं। अब हम इसमें से एक एक पेयर में से एक एक नंबर लेंगे। सो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा थर्टी टू, थर्टी टू इंटू थ्री। सो लेट्स मल्टीप्लाई, थर्टी टू इंटू थ्री, थ्री टू जा सिक्स, देन थ्री थ्री जा नाइन। सो वी हैव 96। So this means the square root of 9216 is 96. This was part number 8. Now let's come to the next part. So now coming to the ninth part. Ninth part mein hamare paas hai 529. 529. So now agar hum check kare to 529 kisi bhi number se divisible nahi aa raha. Means agar main 7 se dekhu to ye 7 se bhi nahi ho raha. 11 se, 13 se, 19 se, kisi bhi number se नहीं जा रहा। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक तो है आप ट्राई करते रहो किसी नंबर से जाएगा, या फिर यहाँ पे हम इसका लास्ट डिजिट देखते हैं, दैट इज नाइन। सो हमें पता है कि ऐसे कौन कौन से स्क्वायर हो सकते हैं, अगर जिसका ये स्क्वायर नाइन है तो इसका स्क्वायर रूट की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, इधर इट विल बी थ्री और कौन सा हो सकती है सेवन। वाई? Because 3 3s are 9 and 7 7s are 49. तो उसमें इनकी वंस डिजिट पे 9 आता है। सो हम चेक कर सकते हैं ऐसा कोई नंबर जिसका ये स्क्वायर निकल जाए। सो 3 से स्टार्ट करते हैं, 13 इंटू 13 करके देखते हैं, दोनों में लास्ट में 3 है, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 1 1s are 1, so this is 9, 6, 1. ये आ गया 169, means 13 का स्क्वायर ये नहीं है। Now let's check 23. So 23 into 23. 3 3s are 9. 3 2s are 6. Then again 2 3s are 6. 2 2s are 4. So this is 9, 12 and 5. So we have 529. Aur yahan pe bhi number 529 hai. This means ye 23 ka square hai. So 23. So yeh aa jayega 23. And then 23 and 1. So, yahan pe agar hum likhenge, so we write it as 23 into 23. So, ye ek pair ho gaya. Ab is pair mein se hum ek number likhte hai, that is 23. Right? So, this is one way jisse aap thoda zyada easily usko kar sakte ho. Otherwise, aapko bahut sare tables dekhne padenge, bahut sare numbers dekhne padenge jisse ye divisible ho. So, this was the ninth part. Now, let's come to the next part. Now, coming to the 10th part. 10th part mein hai 8100. So let's prime factorize this number. 8100. So hum ise 2 se start kar sakte hain. Starting it with 2, 4. Then we have 0, 5, 0. Then again with 2, 2, 0. 5 ki jaga 2 and 10 will be 5. Ab ye 2 se nahi hoga. So let's check agar ye 3 se ho. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. Means ye 3 se ho sakta hai. So 3 6 sa 18. Then we have 22. 7 sa 21. 15. 5 sa. So again with 3. This is 2. 2. 5. Then we have 2. 25. Let's check ki 3 se hoga ya nahi. 5 6 7 8 9. Means again ye 3 se ho sakta hai. So 3 7 sa 21. Baja 15. That will be 5. Now 3. This will be 2, 5. Ab ye 3 se nahi hoga. Ye 5 se hoga. So 5, 5 and 1. Now let's write down the factors. 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5. Now let's form the pairs. So ek pair ho gaya. Ye, this is the second pair. थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। सो अब हर पेयर में से एक नंबर लिख लेते हैं। ये हो गया 2, 3, 3 एंड 5। सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। 2 3 इज 6, 6 3 इज 8, 18, 18 इनटू 5। सो लेट्स मल्टीप्लाई 18 इनटू 5। सो दिस इज 5 8 इज 40, 5 1 इज 5 प्लस 4 9। So we have 90, right?
So this means 90 is the square root of 8100. This was the last part of this question. With this, we complete this question. Now let's come to the next question.